नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवारों की शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सामाजिक संगठन महिला उन्नति संस्था और टुगेदर वी इम्पैक्ट फाउंडेशन ने मिलकर हर घर विद्या अभियान की शुरुआत की गई। बच्चों को शिक्षण सामग्री देते हुए फाउंडेशन की रिधिमा गौर ने कहा कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य है हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। डॉक्टर राहुल वर्मा ने बताया कि बच्चों में पढ़ने के प्रति ललक देखकर इन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजाना 2 घंटे की पढ़ाई कराकर इन्हें प्राथमिक ज्ञान देकर स्कूल से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान प्रांजल बंसल, साधना त्रिपाठी, रणधीर चौधरी, विजय तनवर, डॉक्टर ओमवीर बघेल और महासचिव अनिल भाटी मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।